जब आप कभी सुनते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर बनने जा रहा है या जब आप किसी डॉक्टर को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? वाह, अब तो लाइफ सेट है। सही है यार, अब तो मज़े ही मज़े है भाई। तेरी लाइफ तो अभी बहुत आसान हो जाएगी। झूठ, सबका सब झूठ। कभी आप लोगों ने थोड़ा भी सोचने या समझने की कोशिश की है? चलो मैं समझाती हूँ आपको। क्या कभी आप 8 साल घर से दूर रहे हो? क्या कभी बिना किसी खास मनोरंजन के अपना दिन गुजारा है? क्या कभी अपनी जिंदगी को एक दिशा में जिया है? एक डॉक्टर को इन सब से गुजरना पड़ता है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि आपको अपनी जिंदगी के 12 साल आराम से पढ़ना, मज़े से खाने दिया जाए, सब काम बड़ी आसानी से करने दिया जाए और 13वें साल से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई के लिए बोला जाए, और ऐसा भी नहीं कि फिर आप इसे छोड़ सकते हो, आगे यही आपकी ज़िंदगी हो, तो क्या आपके लिए संभव होगा? नहीं ना। तो ज़रा सोचिए जनाब, इन कठिन कामों को जब एक डॉक्टर करके आपकी जान बचाने को तैयार है तो क्या वो आपसे थोड़ा सा सम्मान भी नहीं मांग सकता? खुद तो कभी समय पर हिचकिचाहट भी नहीं बरतते हो, सही होने में थोड़ा समय क्या लगा तुरंत डॉक्टर को जज करते हो। कभी 8 साल के लिए घर छोड़ा है? कभी दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को निचोड़ा है? सिर्फ शरीर पर नहीं, उसके सम्मान पर भी लगाते हो तुम चोट। जिस मुकाम पर वो खड़ा है अपने दम पर है, ना कि उसको लेकर आया है तुम्हारा वोट। एग्ज़ाम पास करने के लिए उसने रातें जगाई है। जो थका हारा तुम्हारे सामने खड़ा है उसने 3 बजे एक इमरजेंसी भी लगाई है। माना कि इस लिबास में कुछ भेड़िए भी घूम रहे हैं, पर सबको एक नज़र से क्यों देख रहे हो? एक बार आँखों से पर्दा हटाकर तो देखो मेरे दोस्त, एक बार इमरजेंसी लगाकर तो देखो।